जैन साधु की एक फौजी से मुलाकात पार्ट टू। अभी तक हमने देखा कि किस तरह उस फौजी की सगाई हुई, पर सैनिक और साधु का जीवन इतना सरल नहीं होता। परीक्षा दोनों की होती है और जो पास हो जाता है वही सच्चा सैनिक और साधु बनता है। इस फौजी की सगाई होने के बाद 1999 में उसकी कड़ी परीक्षा हुई और वो परीक्षा कुछ और नहीं पर प्रेजेंट दुनिया का सबसे ज्यादा समय तक चला भारत पाकिस्तान का कारगिल युद्ध था। 3 मई 1999 से शुरू हुए इस 83 दिनों के युद्ध का हिस्सा बनने का सौभाग्य इस फौजी को सिर्फ 21 साल की उम्र और सर्विस के चौथे साल में मिला था। और जब युद्ध के दौरान 100 में से 80% फौजियों की मौत हो चुकी थी, तब ये फौजी उन 20% फौजियों में था जिनको कुदरत ने नया जीवन दिया था। 26 जुलाई 1999 तक चले इस महाभीषण युद्ध में भारत को अपने जवान खोने पड़े थे और जो 20% जवान बचे थे उनमें से 5% जवान ऐसे थे जिनको किसी भी प्रकार का रोग नहीं था। बाकी के 15% जवान तो अभी भी कारगिल युद्ध के जख्मों से उभर नहीं पाए हैं। अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन में चल रहे वॉर ने इसे पीछे छोड़ा है। बाकी इस 21st सेंचुरी में इस युद्ध को सबसे खतरनाक युद्धों में गिना जाता है। हालात कुछ ऐसे हुए थे कि कारगिल नामक पास पर सिर्फ गर्मी के मौसम में ही जाया जा सकता था, क्योंकि वहां पर गर्मी में भी 0 डिग्री टेम्परेचर होता है। बरसात चालू होने से पहले यूएन की गाइडलाइंस के अनुसार भारत पाकिस्तान दोनों को वो स्थान छोड़कर नीचे अपने बेस पर जाने का आदेश था। यूएन की चेकअप टीम ने 1999 में अप्रैल में आकर ये बात की जांच की थी और तब दोनों पक्ष नीचे अपने बेस में जा चुके थे। पर मस्ती करने की आदत वाले और हमारी सहन शक्ति को कायरता समझने वाले पाकिस्तान ने कुछ और प्लान बना रखा था। यूएन की चेकिंग के बाद पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को वापस ऊपर चढ़ाना शुरू किया। खाना, ऑक्सीजन, एम्यूनिशन आदि सभी भारत को पता न चले इस तरह पाकिस्तान कारगिल पास के ऊपर जमाने लगा और पूरी तैयारी के साथ अप्रैल में महीने में भारत पर पर्वत की चोटी की हाइट का एडवांटेज लेकर रात को पाकिस्तान ने गोलियों की बारिश कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के कारण नीचे बेस में रहे भारतीय सैनिकों की लाशें बिछने लगी। नीचे रहे वॉकी टॉकी का उपयोग कर उन्हें वार्निंग दी गई, पर लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उन्होंने फायरिंग जारी रखी। यूएन तक बात पहुंचा दी गई, पर पाकिस्तान को तो युद्ध ही करना था, वो नहीं माना और यूएन ने भी वॉर की परमिशन दे दी। मई 3 से युद्ध शुरू हुआ। हमारा ये फौजी भी अपनी बटालियन के साथ 14 मई को कारगिल पास पर पहुंच गया और घमासान युद्ध शुरू हो गया। पूरे भारत से सभी सैनिक आ रहे थे क्योंकि वहां पर रहे सैनिकों की मृत्यु दर तेजी से बढ़ रही थी। फौजियों की ताकत कम न पड़े इसलिए अगर कोई फौजी मर भी जाता तो बाकी सभी को ऐसा कह दिया जाता कि वो बेहोश हो गया है, मरा नहीं है। लेकिन सैनिक बहुत तेज गति से शहीद हो रहे थे। 14 मई को फौजी ने भी AK-47 लेकर पाकिस्तान पर अटैक करना शुरू कर दिया। ऊपर से गोलियां छूटने की वजह से सभी भारतीय सैनिकों को एक गुफा जैसी जगह पर रखा जाता और सिर्फ 1 फीट बाई 1 फीट के होल में से फायरिंग करने की परमिशन थी। अगर बाहर एक्सपोज होते तब तो मौत ही थी। हर दिन बीतने पर अपने 1, 2, 3 अनेक साथियों की गोली लगकर मौत हो जाती और फौजी गुस्से से दोगुने ज्यादा उत्साह से बदला लेने के लिए सामने रहे पाकिस्तान पर टूट पड़ता। खुद के आंखों के सामने अपने साथियों को मरता देख एक बाजू आंखें रोती रहती। न्याय और नीति की बातों से परे रहे पाकिस्तान के सैनिक रात को भी अचानक फायरिंग शुरू कर देते और इसीलिए बेहोश होने के 40 से 42 दिनों तक फौजी ने कभी भी नींद ली ही नहीं। खुद के सैनिकों को शहीद हुए देख युद्ध के समय सैनिकों के लिए फटाफट बनी खिचड़ी और सूखी पूड़ी खाने की इच्छा ही मर जाती और विटामिन्स आदि की गोलियां खाकर फौजी वापस युद्ध शुरू कर देता। दिन रात एक हो गए थे और युद्ध बिना नियमों का लड़ा जा रहा था। भारत की हर गतिविधि पाकिस्तान को पहले से पता चल जाती और इसलिए कमांडर्स भी हैरान थे। जब उसके कारण की तलाश की गई तब पता चला कि भारत की वॉकी टॉकी को पाकिस्तान द्वारा ट्रेस किया जा रहा था। कोई भी मैसेज पकड़ा जाता क्योंकि पाकिस्तान वालों को हिंदी समझ में आ रही थी और उनके पास अमेरिका द्वारा दिए गए हाईटेक गैजेट्स भी थे जिससे उनका काम आसान हो रहा था। भारतीय कमांडर ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का प्रयोग कर साउथ इंडियन सोल्जर्स को दोनों पोस्ट पर तैनात कर दिया और उन सैनिकों के बीच साउथ इंडियन भाषा में वार्तालाप किया गया। पाकिस्तान का समय खत्म हो चुका था। अब एक भी चीज पाकिस्तान वालों को पता नहीं चल रही थी। इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ पर काम आ गई। ये बात शायद ही किसी को पता है पर साउथ इंडिया की भाषकीय स्पेशलिटी ने कारगिल युद्ध में जीतने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है।
यही बात धर्म में भी लगती है। बुलेट प्रूफ जैकेट ना होने से गोलियां लगना आसान हो चुका था, पर सैनिकों की वीरता और हौसला थोड़ा भी कम नहीं हुआ था। कोई भी निशाना मिलते ही हमारे सैनिक उन पर टूट पड़ते। हमारे ये फौजी भी 42 दिन तक लड़ता रहा और असली परीक्षा की घड़ी आ गई। 24 जून के दिन दोपहर 3:30 बजे के लगभग एक स्ट्रेट बुलेट दूर से आकर फौजी के गले के साइड में लगी। धड़ाधड़ खून बहने लगा। फौजी ने अपने गले पर से खून को रोकने के लिए अपना लेफ्ट हैंड उठाया, लेकिन उठा नहीं क्योंकि उस पर भी गोली लगी थी और इतनी जोर से लगी थी कि वो गोली हाथ के आर पार हो गई थी और हाथ में एक होल हो गया था। फिर फौजी को पता चला कि उसकी झांग में भी गोली लगी है और वहां भी खून बह रहा है। फौजी को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना पूरा साहस का इस्तेमाल करके सामने रहे पाकिस्तान के सैनिक पर हमला करना चाहा, लेकिन शरीर तो शरीर है और इसीलिए उसने उस समय के लिए अपना दम तोड़ दिया। फौजी घायल था और वो 7 दिन तक कोमा में रहा, जीवन मरण के बीच झूल रहा था, लेकिन उसकी माँ की प्रार्थना काम आई और वो बच गया। कोमा में से फौजी बाहर आया और लगभग 70 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा और ट्रीटमेंट के बाद उसे 2 महीने की छुट्टी भी दी गई, लेकिन वो ट्रीटमेंट बहुत ही दर्दनाक था क्योंकि उसके हाथ पर जो होल था वो हर रोज साफ करना पड़ता था। जहर वाली गोली लगने से जहर को हर रोज बाहर निकालना पड़ता और उसकी वेदना बहुत ही भयानक थी, लेकिन उस वेदना के गम को कारगिल युद्ध में भारत की जीत ने भुला दिया था। उस हाथ के घाव भर जाने के बाद भी ऑक्सीजन अंदर फंसे ना, इसीलिए एक भाग को स्टिच नहीं किया गया था क्योंकि अगर ऑक्सीजन अंदर रह जाए तो क्लॉट होने की संभावना से मृत्यु की भी संभावना हो सकती थी। थोड़े दिनों के बाद पूरे हाथ को ठीक से स्टिच किया गया। फिजिकल रिकवरी तो हो गई, लेकिन मेंटली एक झटका लगा। जिस लड़की से फौजी की सगाई की गई थी वो फौजी के कोमा में होने की खबर सुनकर सगाई को तोड़ चुकी थी। पूरी तरह रिकवरी हो चुकी ये जानकर वापस उस लड़की के माता पिता रिश्ता लेकर आए, लेकिन फौजी ने साफ साफ मना कर दिया और उस लड़की को कह दिया कि अभी तो सिर्फ कोमा में गया था, मैं एक फौजी हूँ, इंडियन आर्मी का सोल्जर हूँ और इसीलिए कल को अपने देश को बचाने के लिए शहीद भी हो सकता हूँ, यानी कि मर भी सकता हूँ। वो लड़की उसकी बात मान गई और वहां से चली गई, लेकिन उस गांव की एक दूसरी लड़की फौजी की शूरवीरता को देख उसकी दीवानी हो गई और बहुत समझाने पर भी नहीं मानी, यहां तक कि 1 साल तक समय देने पर भी नहीं मानी। इसलिए लड़की ने माता पिता को मना कर मार्च 2001 में फौजी ने उससे शादी कर ली थी। फौजी ने अपनी ड्यूटी आगे भी कई अलग अलग जगहों पर निभाई और बहुत सुखद भारत की नैतिकता के अनुभव उसे हुए। कारगिल युद्ध में या कभी और भी कोई भी पाकिस्तान का सैनिक मारा जाता तो अगर वो गोली के कारण गिरकर भारत की सरहद के अंदर आता तो भारतीय सैनिक युद्ध को रोककर पाकिस्तान के सैनिकों को बोलते कि हम गोली नहीं चलाएंगे, आप आकर अपने साथी को लेकर जाइए, और भारत अपनी बात पर अडिग भी रहता, ये नहीं कि धोखा देकर गोलियां चलाना शुरू कर दे। यह है भारत की नैतिकता, दृढ़ता और इंसानियत। अगर कभी पाकिस्तान से कोई उनके शहीद हुए साथी को लेने नहीं आता तो भारतीय सैनिक उसे पूरी इज्जत के साथ दफना देते। जहां भारत के लिए उसका हर एक सैनिक वैल्यूएबल, वर्थफुल, इंपॉर्टेंट है, वहीं पाकिस्तान अपने सैनिक जो घायल हो जाते उन्हें भी बचाने नहीं आते थे, और अगर लेकर भी जाते तो उनके साथ बहुत बदतर बर्ताव करते। कई बार कारगिल युद्ध में तलाश करते वक्त अमेरिका के बैडजेस भी मिले और इससे स्पष्ट होता है कि इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ अमेरिका का भी कहीं ना कहीं हाथ था। कारगिल युद्ध के घावों से पूरी तरह उभर के और बॉडी का पूरी तरह से चेकअप होने के बाद, यानी कि फिटनेस की जांच होने के बाद, जब फौजी वापस सेना में भर्ती हुआ तो सभी लोग उसे बहुत इज्जत से देखते और उसका बहुत सम्मान करते। कमांडर हमेशा उसकी अनुकूलता पूछकर ही उसे काम देता और किसी भी प्रकार का हैवी काम उसे नहीं दिया जाता था। कारगिल युद्ध में बचे सैनिकों की पूरी बटालियन में अलग ही रेस्पेक्ट थी। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिक और जिंदा सैनिकों को एक स्पेशल पेंशन दिया जाता है और मिलिट्री पेंशन तो मिलता ही है। जो सैनिक इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके बच्चों का बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखा जाता है और जब तक लड़का 25 साल का होकर आर्मी में न आए तब तक उसे पैसे आदि सुविधाएं दी जाती है, और लड़कियों की जब तक शादी न हो तब तक उन्हें भी पैसे आदि सुविधाएं दी जाती है। अगर वो लड़की विधवा हो जाए या उसका रिश्ता टूट जाए, यानी डाइवोर्स हो जाए, तो वापस उसे पैसे दिए जाते हैं। क्या हम हमारे साधु साध्वी जी भगवंतों के सांसारिक परिवार का ऐसा ध्यान रखते हैं? क्या हम साधु साध्वी जी भगवंतों का ध्यान रखते हैं? क्या उन्होंने जिन शासन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए पूरा संसार नहीं छोड़ा है? सोचने जैसा है। फौजी ने चाइना की सरहद पर भी ड्यूटी की थी और कोरोना के पहले का समय ऐसा था कि जब चाइना और इंडिया के सैनिक साथ में बैठकर चाय पीते थे और चर्चा भी करते थे कि किसकी चाय ज्यादा अच्छी है, लेकिन कोरोना के बाद तो ये अशक्य, इम्पॉसिबल हो गया है। ये अभी संपूर्ण रूप से बंद करवा दिया गया है।
जब ये फौजी रिटायर हुआ तब वो डबल स्टार होल्डर था और साथ ही उसके अंडर में 100 से 200 सैनिक काम करते थे। जाते जाते उस फौजी ने एक और बात सैनिकों की सतर्कता के बारे में बताई थी। भारत पाकिस्तान की सरहद पर माइंस लगाई जाती है जिसका मैप बनाया जाता है, बीच में एक रास्ता बनाया जाता है और उस रास्ते पर ही सैनिकों को ध्यान से चलकर जाना पड़ता है। और यदि चलते वक्त ध्यान न रखे और दोनों तरफ की माइंस पर यदि टच हो जाए तो व्यक्ति उड़ जाता है यानी कि मर जाता है। उस मैप का पता सिर्फ उसे लगाने वाले को ही होता है और किसी को नहीं। पूरी तरह से गोपनीयता और रहस्यमयता भारत के सैनिकों को बरतनी पड़ती है और अगर ऐसा न हो तो मौत उसका अंजाम होता है। जब कभी सैनिकों को युद्ध के सिवाय फ्री टाइम मिलता है तो उन्हें रेडियो, टीवी, कैरम, गेम्स आदि खेलने की छूट मिलती है, लेकिन ड्यूटी के समय सिर्फ ड्यूटी, उसमें बिल्कुल भी असतर्कता अलाउड ही नहीं है, कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल अलाउड नहीं है। और बहुत सी चीज़ें एक फौजी को ध्यान में रखनी होती है तभी वो देश की रक्षा करने में कामयाब हो पाता है। फौजी ने जो बताया वो सुनकर सभी साधु भगवंतों को बहुत सुखद अनुभूति हुई। समान व्यक्तियों को मिलकर अच्छी अनुभूति होना सहज है, सिर्फ एक ही फर्क है, एक देश के रक्षक है और दूसरे जन शासन के, धर्म के। आज यानी कि 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के दिन हम देश और शासन के सैनिकों को सैल्यूट करते हैं और गर्व से कहते हैं जय हिंद, भारत माता की जय, जय संयमी, केसरियो रंग जिन शासन नो आप जो। अंत में फौजी ने कहा कि अगर आज भी उस फौजी को किसी परिस्थितिवश भारत याद करे तो वो लड़ने के लिए तैयार है और अपनी जिम्मेदारी समझकर वो वहां जाएगा भी सही। प्रश्न ये है कि क्या हम अपने शासन के, धर्म के प्रति की जिम्मेदारी को समझते हैं या हाथ झटक कर खड़े हो जाते हैं? जरा इस प्रश्न पर हमें गौर से सोचना होगा। वंदे मातरम, वंदे शासनम, जय जिन शासन, जय महावीर।